इस वीडियो में बताऊंगा GTA 5 गेम अगर आपने पीसी या लैपटॉप में ओपन किया हो तो अगर आपके जो स्क्रीन है यहाँ पर बहुत ही स्मॉल हो चुका है तो कैसे आप इसको फुल स्क्रीन पे कर सकते हो और फुल स्क्रीन कैसे किया जाता है जो भी सेटिंग है वो भी तो हम देखेंगे। और इसके साथ साथ जब भी हम लोग GTA 5 गेम को ओपन करता हो तो यहाँ पर जो भी टच बार है यहाँ पर हम लोग को रेड 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 हम लोग को काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब भी रेड रेड करता है तो कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो, अगर आपने जो भी सेटिंग है अगर आपने कर दिया हो लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो भी स्क्रीन है यहाँ पर छोटा आ रहा है या तो टोटल ये जो साइड है साइड से टोटली थोड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी कैसे आप ठीक कर सकते हो। टोटल फुल पेज में यहाँ पर ओपन हो जाएगा वो कैसे आप कर सकते हो। अगर अपने मॉनिटर के जो स्क्रीन है मॉनिटर पे जो भी रिकमेंड करता है कि इतना हद तक अपने डिस्प्ले यहाँ पर ओपन कीजिए GTA 5 गेम का वो भी आपको कैसे यहाँ पर आपको दिखेगा वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले अगर बात करें अगर अपने पीसी लैपटॉप में GTA 5 गेम को ओपन किया हो तो अगर आपके यहाँ पर छोटा स्क्रीन आपको दिख रहा है तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, मतलब आपको दो तीन चीज़ आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सेटिंग चेक करना पड़ेगा, सेटिंग अगर आपके ओके है तो आप यहाँ पर दूसरा और एक ट्रिक है वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको और एक सेटिंग आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर GTA 5 के सेटिंग जो ऑप्शन है सेटिंग ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे और सेटिंग ऑप्शन पर जैसे हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि इस साइड से जो कि डिस्प्ले के नीचे है ग्राफिक में आपको सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है और इस साइड में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको विंडोज़ में एक बार क्लिक करके आपको यहाँ पर कीबोर्ड का इसी बटन को आपको प्रेस करना है। जैसे आपको इसी बटन को प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर चेंज होता जाएगा और यहाँ से आपको फुल स्क्रीन आपको मोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो फुल स्क्रीन आ चुका है। जैसे फुल स्क्रीन आ जाएगा अपने कीबोर्ड का स्पेस वाला बटन को प्रेस कर देना। जैसे अपने स्पेस वाला बटन को प्रेस कर देंगे आपको यहाँ पर देखेंगे GTA 5 और एक बार आपको इंटर में क्लिक कर देना है। इंटर में जैसे अपने क्लिक करेंगे आपके GTA 5 गेम यहाँ पर देख सकते हो टोटली फुल स्क्रीन मोड में हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर फुल मोड में किया हूँ। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरे को यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है कि यहाँ पर 1920 और 1080 और 60 Hz जो कि यहाँ पर हम लोगों को सेटिंग करना चाहिए और करेंट रेजोल्यूशन जो कि हमारा 800x600 और 75 Hz है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है जो कि इतना करो। तो हम लोगों को यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो भी हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन का जो ऑप्शन है देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें अगर आपके जो भी हमने अभी यहाँ पर दिखाया हो अगर आपके फुल स्क्रीन यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके GTA 5 गेम पे फुल स्क्रीन हो चुका है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने फुल स्क्रीन को जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा तो आप गेम प्ले कर सकते हो। अगर आपके फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है जो भी पिक्चर है टोटली फट गया है या थोड़ा लंबा टाइप का आपको देखने को लग रहा है तो ऐसे में आपको सिंपली जो भी रेजोल्यूशन है रेजोल्यूशन को अपने ग्राफिक कार्ड के हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसी कीबोर्ड का इसी बटन में आपको प्रेस करना है और जैसे अपने प्रेस करेंगे आप देखेंगे ये चेंज होता रहेगा और जो भी यहाँ पर रिकमेंड कर रहा था वो मैं यहाँ पर सिलेक्टेड करूँगा। जैसे 1080 यहाँ पर सिलेक्टेड रिकमेंड कर रहा था तो मैं यहाँ पर 1080 को ढूंढ लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर तो अभी तक भी नहीं, तो गाइज अभी मेरे को मिल चुका है 1080 और 1920 और दोस्तों यहाँ पर जो नीचे 50Hz है तो हम लोग को यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपल हम लोग को कीबोर्ड का इसी बटन को प्रेस करेंगे तो ये भी चेंज होता जाएगा। तो गाइस अभी 60Hz कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्पेस वाला बटन को प्रेस करेंगे और एक बार इंटर में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो रहा है। सेकेंड का वेट करने से पहले हम लोग को इंटर वाला बटन को प्रेस करना है। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड में हो चुका है और यहाँ पर जो भी पिक्चर्स पहले फट गया था और लंबा टाइप का देख रहा था वो भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो ये दोनों सेटिंग आपको जरूर से जरूर चेकआउट करना चाहिए। रेजोल्यूशन अपने ग्राफिक कार्ड के हिसाब से आपको देना चाहिए, अपने मोनिटर का जो भी डिस्प्ले है वो अगर कितना रिकमेंड करे उस हिसाब से आपको देना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन आपको करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से तो अपने दोनों सेटिंग को चेक करेंगे आपके जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर फुल स्क्रीन जो भी नहीं हो रहा है अगर स्मॉल स्क्रीन हो रहा है तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपके डिवाइस में GTA 5 गेम जब भी अपने ओपन करते हो तो टच बार में अगर वो आपको रेड रेड टाइप को दिख रहा है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो आपने दो भी यहाँ पर सेटिंग आपने किया हो, ये दोनों सेटिंग अगर आपने कर लिया हो उसके बावजूद भी अगर आपके GTA 5 गेम फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है तो कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हमने GTA 5
गेम को ऑफ किया हूँ, तो अभी फिर से GTA 5 गेम को यहाँ पर मैं ओपन में क्लिक करूंगा दोस्तों। तो नीचे जो टच बार है, टच बार में आप देखेंगे थोड़ा रेड रेड टाइप का हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये रेड का जो प्रॉब्लम है इसको आप सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। और गाइज इसके साथ साथ सिंपली यहाँ पर जो भी पेज है, पेज अगर आपको फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है तो सिंपली यहाँ पर आपको एक बार टच कर देना है यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर आपको टच करना है, फुल स्क्रीन टाइप के हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर नीचे रेड रेड टच बार में दिख रहा है तो यहाँ पर आपको GTA 5 गेम पे टच करना है, उसके बाद और एक बार टच करना है, मतलब दो तीन बार यहाँ पर आपको टच करना है, फिर ओपन कर देना है। अब देखेंगे काफ़ी आसानी से अपने यहाँ पर फुल स्क्रीन भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो रेड रेड टाइप का दिख रहा था वो भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी कोई रेड रेड टाइप का नहीं दिख रहा है, और उसके साथ फुल स्क्रीन पे भी यहाँ पर GTA 5 गेम ओपन भी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर साइड में कोई भी ब्लैक या तो कोई भी सफ़ेद या तो कोई भी ब्लू कलर के कुछ भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि फुल स्क्रीन वो सेटिंग करने के बाद भी साइड में बहुत बार देखा जाता है कि साइड में ब्लैक देखने को मिलता है, तो वो भी हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अगर हम जब भी यहाँ पर टच बार में यहाँ पर GTA 5 गेम ओपन हो रहा है उसी टाइम पर हम लोग को वहाँ पर GTA 5 गेम पर एक दो बार टच कर देना है, मतलब GTA 5 गेम फुल स्क्रीन होने से पहले ही। तो जैसे हम लोग वहाँ पर टच कर देते हैं तो ये एकदम सही हो जाता है, पिक्चर जो भी है एकदम सही हो जाता है। तो गाइस यही था कुछ सेटिंग और कुछ टिप्स एंड ट्रिक, अगर आपने करेंगे तो आपके GTA 5 गेम पे जो भी यहाँ पर फुल स्क्रीन प्रॉब्लम हो रहा है, स्मॉल स्क्रीन प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये काफ़ी आराम से ये सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है आपके ये वीडियो पसंद आएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्टार गुड चाहते हो, वहाँ पर भी मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।